हे गाइस, कैसे हो? फिर से मैं आ चुका हूँ आप लोग का मनोकामना मंदिर से। कल मैं था, कल रात भर हमारी बस चली है और आज सुबह सुबह मैं पहुंचा था 4 बजे काठमांडू। तो होटल लिया और रेस्ट किया, मेरे पीछे देख सकते हैं ये वाला होटल है, और रेस्ट किया और उसके बाद अभी निकला हूँ जस्ट मंदिर के लिए। मंदिर जाऊंगा, पशुपतिनाथ मंदिर। तो चलिए भोले बाबा का दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं घर बैठे लाइव। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। स्टे कंटिन्यू विद एसजे। ये वाला अपना होटल और ये वाला रोड है, इसी से चलेंगे हम लोग मंदिर की ओर। चलिए, ये राम मंदिर का द्वार, पशुपतिनाथ दक्षिण द्वार। चलिए बाबा का दर्शन करते हैं, पशुपतिनाथ बाबा का। इसी से एंट्री लेना है आप लोगों को। बाबा पशुपतिनाथ के मंदिर के द्वार में एंटर हो चुके हम लोग। जय भोलेनाथ। यह है मंदिर का पूरा एरिया, देख सकते हैं। सामने ही बस स्टैंड आप लोगों को मिल जाएगा देखने को। बस स्टैंड है काठमांडू का। देखिए ये वाला बस स्टैंड, और अभी जिससे हम लोग एंट्री किए वो दक्षिण द्वार है, इसी से एंट्री करना है। मंदिर का एरिया बहुत ही बड़ा है, कम से कम आप लोग मेन गेट से 500-600 मीटर चल के आना होगा। देख लीजिए, इधर से फिर इधर घूमना पड़ता है, उधर मेन गेट है, उधर से फिर इधर आए हम लोग। देखिए ये भी पूरा मंदिर का एरिया है, फिर हमें सीधा जाना है मंदिर जहाँ है। और बहुत सारा दुकान आप लोग को देखने को मिल जाएगा। भैया मंदिर इधर ही सुना, सीधे आ गए मंदिर के अंदर हम लोग। जय बाबा पशुपतिनाथ, यहीं से दर्शन के लिए बाबा भोलेनाथ का। घर बैठे लाइव दर्शन कर लीजिए आप लोग।
वो भी एंट्री गेट है, उधर चलना है। देखिए कितना कबूतर है, कबूतर ही कबूतर। काठमांडू में कबूतर ही कबूतर। मिलेगा मिलेगा सब मिलेगा, दर्शन करो खाओ। फॉरेनर भी आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, देख लीजिए फॉरेनर्स। वो रहा मुख्य मंदिर श्री पशुपतिनाथ मंदिर। तो हम लोग मंदिर के समीप पहुंच चुके हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य है मेरे चारों ओर, आप लोग देख सकते हैं। छोटे छोटे अनेक मंदिर हैं यहाँ पर और इमारतें भी कई हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य, एकदम भव्य नज़ारा है श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर का। बाहर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है श्रद्धालुओं का। तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। मोबाइल अगर अलाउ होगा तो मैं आप लोग जरूर बाबा के दर्शन कराऊँगा। जय बाबा पशुपतिनाथ। चलिए मंदिर के अंदर। सब एक साथ रहना है। तो हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं मंदिर के अंदर से, और अंदर कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए मैं आप लोग दिखाने पर बाहर से जरूर आप लोग का दर्शन करा सकता हूँ। तो ये जो सीधा आप लोग को मंदिर दिख रहा है जहाँ पर नंदी भगवान विराजमान है, उसके आगे हमारे पशुपतिनाथ भोले शंकर विराजमान है, यहाँ से दर्शन कर लीजिए। इसके आगे मोबाइल अलाउड नहीं, देखा आप लोगों ने कैमरा अलाउड नहीं है, फिर भी जितना हो सके मैंने कोशिश किया आप लोगों को दिखाने का, तो बिल्कुल भी कैमरा अलाउड नहीं है। जय बाबा पशुपतिनाथ। देखिए कितना सुंदर मंदिर है यहाँ, चारों ओर मंदिर ही मंदिर है, अंदर भी बहुत सारा मंदिर है। ये रहा बाबा पशुपतिनाथ, बाबा का मंदिर। पशुपतिनाथ का टॉप भी वो है मंदिर, और देख लीजिए छोटा छोटा कितना घर है, इधर भी मंदिर है। और सामने देखिए वो कैलाश पर्वत है, वो वाला पर्वत। इधर गेट बंद है, नहीं तो अभी जाकर उधर दिखाते आप लोगों को। अभी तो बहुत ही ऊंचाई पर मैं खड़ा हूँ, अभी ये मंदिर ही आप लोगों का बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है। ये जो आप पूरा देख रहे घर, ये सब पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, चारों ओर से पहाड़ में घिरा हुआ है। देखिए सारा पहाड़ है, चारों ओर पहाड़ी पहाड़ है, और सामने उधर कैलाश पर्वत। ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो लोग भी बाबा का दर्शन कर पाएंगे। और प्रेम से बोलिए जय बाबा पशुपतिनाथ। और चलिए मैं मिलता हूँ अगले काठमांडू एपिसोड में।